नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं जेएमयू न्यूज़ वाचक चैनल की दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मिली सौगात। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 36 महीने का वक्त लगा है। पीएम मोदी ने कहा, ये एक्सप्रेसवे यूपी को तेज गति से बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखी पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाने वाले विमानों की झलक। टच एंड गो ऑपरेशन करते आए नजर। इस दौरान राफेल, सुखोई और मिराज जैसे फाइटर जेट ने टच एंड गो ऑपरेशन किया, यानी विमान उड़ते हुए आए और जमीन को छूकर दोबारा उड़े। सीबीआई और ईडी के प्रमुखों के कार्यकाल विस्तार वाले अध्यादेश पर विवाद जारी। रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में वकील एमएल शर्मा ने अनुरोध किया है कि वह ऐसे मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को बहुमत से फैसला लेने का आदेश जारी करे। साथ ही कोर्ट से मामले पर तत्काल उचित आदेश जारी करने की भी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर में पूजा विधि को लेकर दायर याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट मंदिर के दैनिक कार्यों को नहीं कर सकता है जांच। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते नई दिल्ली के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकती है मुलाकात। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में वह राज्य के बकाए और बीएसएफ का बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी। एयर इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के पत्र का सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया जवाब। मुंबई तट पर क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने फिर उठाए सवाल। उन्होंने दावा किया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पार्टी के आयोजक काशिफ खान को बचाने की कोशिश कर रही है। पुणे जिला परिषद के 800 स्कूलों में छाया अंधेरा। बिजली बिल ना भरने की वजह से महावितरण ने काटा बिजली कनेक्शन। कोरोना महामारी के बाद पहली बार स्कूल शुरू हुए हैं। ऐसे हालात में स्कूलों के अंदर बिजली ना होने से छात्रों की पढ़ाई पर भी हो सकता है गंभीर असर। अंदरूनी कलह का शिकार हुई मुंबई कांग्रेस। एमएलए जिशान सिद्दीकी ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप के खिलाफ सोनिया गांधी को लिखा शिकायती पत्र। भाजपा के महाराष्ट्र प्रभारी सिटी रवि ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अंशकालिक मुख्यमंत्री करार दिया और शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को विधानसभा भंग करने तथा नए सिरे से चुनाव करने की दी चुनौती। ये थी आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल के साथ।